नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आजकल कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है और हम सब इस बात पर हैरान हैं कि पूरा 2020 साल तो ऐसे ही चला गया, अब आगे क्या होगा। तो ये सभी वायरस बैक्टीरिया शरीर की किसी भी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की आवश्यकता होना काफी जरूरी है, यानी उसको रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं। तो ये इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिल सकती है और इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसे ही कोई बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी को किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करे, जिसकी वजह से हम किसी भी गंभीर बीमारी के अंदर ना चले जाएं। तो आइए चलिए देखते हैं हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी। मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश त्रिवेदी है और मैं मेटाबॉलिक एक्सपर्ट के तौर पे अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। तो अब बात करते हैं कि ये कम इम्यूनिटी क्या होती है और वो अपने बॉडी को कैसे प्रभावित करता है। इम्यूनिटी शरीर को बार बार इन्फेक्शन से बचाता रहता है। अगर किसी पर्सन को बार बार इन्फेक्शन होता है तो वह लो इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकता है और उसके अंदर कई बार गंभीर लक्षणों भी दिखाई देते हैं। उनके अंदर कोविड-19 सहित न्यूमोनिया, सीजनल फ्लू या बैक्टीरिया कई बार विनाशकारी भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये कम इम्यूनिटी किसी लोगों को जन्म के साथ या तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये कम इम्यूनिटी क्यों होती है और वह बेसिकली उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज या तो फैक्टर है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को लो बनाता है। गीता पुराण में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि अधिक वर्जित है, यानी अधिक कुछ भी सेवन करना आपको हानिकारक होता है। तो वैसे ही अधिक शुगर लेना, अधिक कैफीन लेना, अधिक सॉल्ट लेना, अधिक अल्कोहल लेना और कम मात्रा के अंदर कलरफुल एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेना वो आपको कम इम्यूनिटी प्रदान करता है, यानी वो आपकी इम्यूनिटी को लो करता है। अब हमें ये जानना होगा कि ऐसे कौन कौन से फूड है जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है यानी बढ़ावा देने में मदद करता है। आप जानते हो कि अभी तो विंटर मौसम आ गया है यानी सर्दियों का मौसम आ गया है, तो बहुत सारे रंग बिरंगी यानी कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ताज़ा मिलते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए यानी इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा मौसम आ चुका है। तो जानते हैं 8 ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है या तो इंक्रीज करता है। इसमें सबसे पहला है हल्दी। हल्दी के अंदर रहा कुरकुमिन नामक एक तत्व होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है, मगर उस कुरकुमिन को अगर ब्लैक पीपर के साथ लिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। यानी अगर आप टर्मरिक लेते हो तो ब्लैक पीपर के साथ यानी काला मरी के साथ या तो काली मिर्च के साथ लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, तो आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्टअप मिलता है। दूसरा है अदरक। अदरक के पाउडर को हम लोग सूंठ के लड्डू बनाने के लिए काफ़ी उपयोग में लेते हैं इस विंटर मौसम के अंदर, और अदरक की चाय को हर रोज सेवन करने से मौसमी फ्लू या तो सीजनल कोल्ड या तो कॉमन कोल्ड या तो सीजनल फ्लू से आपको बचाने में काफ़ी मदद मिलती है। तीसरा है हरा लहसुन यानी ग्रीन गार्लिक। हरे लहसुन में मौजूद पॉलीसल्फाइड भरपूर मात्रा में होता है जो हार्ट की बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है। हरे लहसुन में मौजूद प्रोटीन फेरापोटीन सेल के बाहर से सेल के अंदर तक आयरन को संग्रहित करता है, जिसकी मदद से शरीर को आवश्यकता अनुसार आयरन मिलता रहता है।
ब्रसेल्स स्प्राउट्स, उसको टिनी कैबेज कहते हैं, छोटे छोटे कैबेज कहते हैं उसको, और वो आपको विटामिन ए बी सी एंड अल्फा लियोपिक एसिड्स प्रदान करता है। और ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स ज़्यादातर इस ठंड के मौसम में पाया जाता है। अल्फा लिपोइक एसिड्स वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है, और उसमें विटामिन ए बी एंड सी तो होता ही है जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। नेक्स्ट है गाजर। गाजर एक बहुत ही लोकप्रिय विंटर का एक रूट सब्जी मानी जाती है, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन मिलती है, और वो बीटा कैरोटीन आपके शरीर में रहे विटामिन ए को कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। और विटामिन ए आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए और डायबिटीज़ के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। पालक, स्पिनाच। स्पिनाच सबसे ज़्यादा सर्दियों के मौसम में मिलता है, और उसको खाने के फायदे भी बहुत सारे हैं। उसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी होने को दूर करने के लिए स्पिनाच बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, उसके साथ में आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करना, डाइजेशंस को भी अच्छी तरीके से रखने के लिए स्पिनाच बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आगे हैं बीट रूट। बीट रूट वैसे हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अर्थात क्लींजर के रूप में कार्य करता है। बीट में रहा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैंगनीज व फाइबर की पर्याप्त मात्रा होती है। पाचन योग्य शुगर की उपस्थिति के कारण बीट का सेवन ऊर्जा भी प्रदान करता है, यानी बीट आपके बॉडी के लिए बहुत फायदेकारक होता है और इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने के लिए काफी बढ़ावा देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंवला यानी इंडियन गूजबेरी। आंवला वैसे ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा मिलता है, और वो तब आता है जब शरीर के अंदर यानी सर्दियों के मौसम के अंदर अपने शरीर, त्वचा और बालों की देखभाल के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होती है, तभी आंवला अपने लिए एक वरदान के रूप में आता है। तो वो शरीर, त्वचा एंड बालों को तो देखभाल करता ही है, उसके साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी मदद होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको 8 ऐसे फूड्स बताए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और तो इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल करता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पास में रहा बेल आइकन प्रेस करिए, जिसकी वजह से ऐसे ही सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।